फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मैंने इतने सारे यानी बैगन, बहुत सारे बैगन लगे हुए थे और टमाटर भी लगे हुए थे हरे वाले, तो ना सारे बैगन बंदर खा गए। दो दिन लगातार आए और वो उनकी ना इतनी बड़ी गैंग आ जाती है जिसे भगाना मुश्किल है। हम उनका सामना ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो देखकर ऐसे ऐसे मुंह बनाते हैं ना, इतने ख़तरनाक कि हम देख के ही डर जाते हैं। और एक बात मेरे साथ वारदात हो चुकी है कि मैं यहाँ पर इसी सीढ़ी पर बैठी हुई थी और मेरे पीछे बंदर था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे पीछे बंदर है। और उस बंद यानी मैंने उसको जैसे ही देखा तो मैं भागने को हुई और वो मेरे बस पीछे इतनी थी कि बस वो मुझे झपट्टा मारने वाला था, पर मैं ना यहाँ से 5 सीढ़ी बिल्कुल कूद गई नीचे और कूद के मैं अंदर भागी। और ये चीज़ जो हो रही थी मेरे साथ, तो वो मेरे पड़ोसन है, वो देख रही थी क्योंकि वो छत पर थी। तो और क्योंकि उस समय तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं अंदर गई, मैंने बिट्टू को बताया और घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तब से मैं बंदरों से, यहाँ के बंदरों से तो बहुत डरती, यहाँ क्या सब जगह के बंदरों से डरती हूँ। तो फिर उन्होंने बताया कि तुम अच्छा हुआ भाग गई, अगर मैं एक एक सीढ़ी उतरती तो शायद वो मेरी पीठ में खरोच मार देते, हमला कर देते मुझ पर मैं 5 सीढ़ियाँ बिल्कुल थी, मैं ना उतर करके मैं कूद गई थी और भाग गई मैं। उस समय से डरती हूँ मैं, इन बंदरों का सामना नहीं कर पाती हूँ। इतने प्यारे प्यारे बैगन लगे हुए थे, छोटे छोटे, कुछ बड़े भी थे, टमाटर लगे हुए थे, सारा कुछ तहस नहस कर गए, खा गए। और डंठल डंठल उनका जो पीछे की पूंछ रहती है वो छोड़ गए वहीं के वहीं की, अब तुम दुख मनाओ इनको देखो। तो बहुत बुरा लगा देख करके। आज सुबह भी आए थे, ये तार वार तोड़ गए, बांस के 2 टुकड़े कर गए, बहुत आतंक मचा के रखा हुआ है इन बंदरों ने। आते हैं ना तो वो सीधे नहीं आते कि भाई आ जाएं अपना टहल के चले जाएं, नहीं, बर्बादी करते हैं वो। और इससे ना बहुत दुख होता है कि हम इतना यानी बच्चों की तरह पेड़ पौधों को पालते हैं, बार बार उनके पास जाते हैं, पानी देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और ये आकर के बस मनमौजी कर जाते हैं। तो बहुत बुरा लगता है, मैं वहाँ जाने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा, सच्ची बता रही हूँ। इतने प्यारे प्यारे भट्टे लगे हुए थे, ज़्यादा से ज़्यादा ना 2-3 दिन बाद मैं तोड़ लेती, पर क्या करूँ वही खा गए। अरे खाने वाने का दुख दोष नहीं है, पर उनको ना लगे रहते हैं, देखते हैं, हमको अच्छा लगता है, हम तोड़े ना। क्योंकि बाज़ार से तो अपन 10-20 रुपए लगाएंगे तो ढेर सारे बैगन आ जाएंगे, टमाटर भी आ जाएंगे, पर वो चीज़ें जो हम देखते हैं ना कि हमने मेहनत की है, देखो कितना अच्छा फल है, वो देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत दुख हो रहा है, हम दुखी मना सकते हैं। तो मैंने अभी जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो कल का है, आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। आज की जो वारदात हुई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ मौखिक तौर पर। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, और यही बोलूँगी। अभी ना वीडियो के व्यूज़ भी डाउन है, मैं इस वीडियो को कोशिश करूँगी, थोड़ा सा टाइमिंग चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है कि 8 बजे लोग सो जाते हों, तो मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि सुबह टाइम यानी दोपहर टाइम में अपलोड करूँ वीडियो। तो आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अभी सर में ना मेरे सर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, सर दर्द। जब ज़्यादा मैं सोच लेती हूँ, क्योंकि कल मैं 2 बजे रात तक जगी, ना मेरा एग्ज़ाम चल रहा है ना कुछ, और फिर भी मैं टेंशन के कारण 2 बजे तक जगी, तो मेरा सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है। ऑयलिंग भी करके रखी हूँ बालों में, तो मैं नहा धो कर के लेटी हुई थी और थोड़ा सा मैंने खाया खाना और बस रेस्ट कर रही थी। तो चलो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। तो काफ़ी दिन से, काफ़ी महीने बोलेंगे, तो ये फ़ैन रखा हुआ था, जो कि आप लोगों को पता है, मुझे नहीं पता, शायद मैंने ठंड स्टार्ट हुई थी तब मैंने मंगा के रख लिया था, और ये रिमोट वाला फ़ैन है। तो आज आखिरकार समय आ चुका है, तो मैंने
जो भैया ने हमारी लाइट फिटिंग की थी उन्हीं भैया को मैंने बुलाया कि भैया आप फ़ैन लगा दीजिए हमारा, जो कि ना 4-5 महीने तो हो गए हैं इसको रखे हुए। तो मैंने बोला अब गर्मी भी आ गई है, तो हॉल में फ़ैन नहीं था तो हमने सोचा कि चलो अब लगा देते हैं। तो वाइट कलर का फ़ैन है ये, भैया बोल रहे थे कि आपने ये वाइट कलर का क्यों मंगा लिया, क्योंकि अभी 1 हफ्ते बाद ये कलर चेंज कर देगा। हमने बोला कैसे, और ये तो हम भी अनुमान लगा सकते हैं कि धूल मिट्टी या फ़ैन चलेगा तो ये पूरा ये गंदा हो जाएगा फ़ैन। पर कोई ना, ये फ़ैन बहुत अच्छा है, इसकी बड़ी बड़ी यानी जो आप देख सकते हो पंखी है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये लग जाएगा तो अभी चेक करना कि हवा कैसे देता है ये। अब ये क्या है, सीलिंग ऊपर है ना, तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा रहे थे कि ये यानी कोई सीढ़ी वगैरह भी नहीं थी हमारे पास जिसमें चढ़ कर के ये फ़ैन लगाया जाए। तो हमने सोचा कि चलो और ड्रम लेकर आते हैं, पर ड्रम में कुछ सामान रखा हुआ था तो दिमाग ही नहीं चल रहा था कि क्या करें। तो फिर हमने, भैया ने बोला ये टेबल कैसी है, टेबल में चढ़कर हम लगा देते हैं, क्योंकि सीढ़ी हमने पता भी किया था राइट साइड की सीढ़ी में। बुक्स रख लेना बेटा, बुक्स के ऊपर नहीं वो सीढ़ी। अरे वो तेरी बुक्स वहाँ टेबल से हटा लेना, बुक्स वो तो हटा लेना ना सारी। लाइट फिटिंग भी ऐसे हो गई थी क्योंकि तभी तो भैया चढ़ेंगे, रखी हुई थी जो कि मजदूर वगैरह यूज करते थे कुछ भी ऐसे घर बनाने के लिए। तो अभी तो वो थी भी नहीं, और बाजू में ही उनका घर है पर हमने पूछा तो वो है ही नहीं वहाँ पर। हमने बोला चलो कुछ व्यवस्था करते हैं। फिर अचानक से कॉल आया कि आप धना ले रहे हो क्या साइड से, तो मैंने बोला चलो देखते हैं। तो यहाँ पर धना बेचने वाला आया हुआ था, अच्छे प्राइस में दे रहा था। तो हमने बोला चलो, सभी लोग ले रहे थे तो हमने बोला, हमसे बोलते हैं कि 2 किलो ले लो। तो मैंने बोली 2 किलो क्या करेंगे, और 2 लोग हैं हम लोग, तो मैं सिर्फ 100 रुपये लेके गई थी। तो मैंने 90 रुपये के धने लिए थे, मैंने बोला इतने ही काफ़ी हैं। तो मैं कुछ लेके भी नहीं गई थी, बर्तन वगैरह ऐसे ही चली गई थी, सिर्फ पैसे लेकर के और मोबाइल लेकर के, क्योंकि फ़ैन लग रहा था तो छोड़ कर आई थी मैं, और साइड में ही है ना गेट के बाहर। तो मैंने बोला कि चलो इतना ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं धने लेकर के जाऊँगी क्योंकि फ़ैन लगवाना था और वो भैया लगा ही रहे थे। तो मैंने बोला मैं आके शूट कर लूँगी, क्योंकि धने वाले भैया थोड़ी ना हमारे लिए रुके रहते। तो उन्होंने बोला चलो धना भी ले लेंगे। ये धना इतना खुशबू दे रहा था, और हम इसको ना मिक्सर में अच्छे से सुखा लेंगे, साफ़ कर लेंगे, और मिक्सर में पीस करके ना हम इसका पाउडर बना सकते हैं और सब्जी में यूज कर सकते हैं। जो पैकेट वाला हम धनिया पाउडर लेते हैं तो उसकी जो खुशबू है ना वो चली जाती है, और ये वाला अपन ताज़ा यानी पीस के भी रख सकते हैं और ताज़ा भी बना सकते हैं, और इसका सब्जी या दाल में डालो ऐसे पीस करके तो काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। इसलिए मैं इसको और देख रही थी कि यानी भैया आप कहाँ से आए हो, और यानी कि ये धने ये कलर के क्यों है, थोड़ा बहुत ऐसे पूछ रही थी। और उसके बाद मैं आई हूँ तो फ़ैन लग चुका था, तो बहुत अच्छा फ़ैन लगा हुआ है, क्योंकि ये भैया ने पूरे घर की लाइट फिटिंग की थी, उस फ़ैन को भी इन्हीं भैया ने लगाया हुआ था। तो ये टेबल देखो गंदी हो गई, क्योंकि वहाँ पर सीमेंट वगैरह लगा हुआ था ना, तो वो साफ़ करके उन्होंने लगाया। इन्हीं को आइडिया था, इन्हीं ने ही लाइट फिटिंग। तो फ्रेंड्स कैसी लग रही है झुंडू हम? तो यहाँ पर सारा कुछ फैला हुआ है। मैंने अभी मैं धना लेने गई थी, उसके बाद ये देखो पंखा लग चुका है वाइट, ऐसे ऐसे नहीं दिख रहा है, तो ये लग चुका है। यहाँ पर ये टेबल वेबल सारे कुछ अभी पूरा फैला हुआ है, जो कि इधर पर समेटना है। वो पंखा लग गया है, चालू भी हो गया है, बढ़िया लग रहा है, इसकी हवा भी अच्छी आ रही है। काफ़ी दिन से डला था, यानी काफ़ी दिन से ये रखा हुआ था। हमने बोला कि चलो अभी इसका ये जो रिमोट है इसमें सेल नहीं है, हमने दूसरे सेल डाल कर देखे तो वो सेल ऑन ही नहीं थे, यानी वो ऐसे ही थे डिस्चार्ज। तो हम लोगों ने ना अभी सेल लेकर आएंगे तभी रिमोट चालू होगा, फिर ये रिमोट से ऐसे ये चालू ठीक 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 ठीक। फिलहाल इसको यहाँ से ऑन करते हैं, और ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक वीप सी बजी, वीप के बाद ये
फैन ऑन, तो देख सकते हो अच्छी हवा आ रही है, सारे हॉल में हवा है। देखो पर्दे उड़ रहे हैं, तो बढ़िया। तो बढ़िया पंखा चल रहा है, बहुत दिन से रखा हुआ था, आज पंखे का भी काम हो गया। अभी हम यहाँ पे नहीं हैं इसलिए हम बंद कर दे रहे हैं। तो मैंने अब ये गर्मियों के टाइम पे लग गया, अब सही हुआ। अभी मैंने खाना नहीं खाया है तो मैं खाना खाऊंगी। और खाने में मैंने आज क्या बनाया है चलो मैं बताती हूँ। ये मैं धने लेकर आई हूँ, देखो ये धने मैंने ले लिए हैं, 1.5 किलो धना है। इसको धूप दिखा के रख देंगे, तो ऐसे ताजे धने बांट करके पीस करके अपन सब्जी बनाएंगे तो इसमें ना देसी स्वाद आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए धने मैंने खरीद लिए हैं, है ना, और अच्छे मिल गए थे अच्छे रेट से। बाकी मैंने खाना क्या बनाया है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने बनाया हुआ है खीर, ये तो पापा जो कि इधर निकले हुए थे, अभी बहुत सारा काम करना है। मैंने बनाई हुई है खीर पूड़ी सब्जी, तो चलो थाली लगा लूँ। तो ये देख सकते हो मैंने बनाई हुई है बैंगन आलू की सब्जी और खीर और पूड़ी। फिर श्रेया गई थी मार्केट, मार्केट से ये मैंने सैल, मैंने बोला सैल तो लेते आना, तो ये सैल लेकर आई थी। तो बहुत अच्छा रिमोट भी काम कर रहा है और श्रेया को तो मज़ा आ रहा था। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ये अच्छा लगा होगा। मिलेंगे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही सारे काम मेरे कंप्लीट होते जाएं बस।